नहीं है, मेरे भाई का दोबारा मर्डर हो गया। बहुत अमर शहीद, सबसे पहले तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। अमर शहीद मूर्तिकार सिंह राम का प्रतिमा यहाँ पे लगा हुआ था, इसके बाद सामाजिक तत्व आते हैं और मूर्ति का विखंडन करके चले जाते हैं। कुछ घटा है भैया? चाचा क्या कुछ घटना घटा है? जी घटना घटी है कि यहाँ पर सुबह एक आदमी बाथरूम के लिए बाहर निकला है तो खबर किया है कि यहाँ मूर्ति नहीं है। संयोग से मेरे ही अध्यक्षता में, मैं हृदय कुमार यादव, मेरे ही अध्यक्षता में ये मूर्ति बनी थी और अमर शहीद मूर्तिकार सिंह राम हमारे बहुत करीबी मित्रों में से एक थे। हमारे पास उनके भाई ने टेलीफोन किया, द्वारिका राम जी, जो अंचल कार्यालय दरौंदा में कार्यरत हैं जी। तो सुनते ही हमने अपने लोगों से कहा कि भाई ये क्या हो गया, यह तो मूर्ति कोई किसी को तकलीफ दे नहीं रही थी। तो हम सुनते ही आए, तब तक हमको थाना दरौंदा के स्टाफ लोग भी यहाँ पर आ चुके थे, SDPO सर भी आए हुए हैं। हम लोगों ने यही मांग किया है कि हम लोग कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जो आदमी अपराध किया है मूर्ति तोड़ने का, उसको हर हाल में पता लगाया जाए और पता लगा करके उचित कार्रवाई करके उसको दंडित किया जाए, क्योंकि यह सामाजिक क्रांति के द्योतक हमारे साथी मूर्तिकार सिंह राम थे, जिनकी जो मेरे अध्यक्षता में इनकी मूर्ति लगाई गई थी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे, हेना साहब यहाँ के नेत्री रहीं, वो भी आई थी और यह मूर्ति हम लोगों ने बड़े ही श्रद्धा से चंदा स्वरूप सभी लोगों ने, जवार के लोगों ने मिल करके लगाया था और आज ये मूर्ति हमको देखने पर बहुत तकलीफ हुई है। घटना कब घटी हुई है? लगभग रात में सब लोग सो गए हैं, यहाँ पर लड़के यहाँ के रविदास जयंती मनाए हैं, सुबह में देखने में आया है, टाइम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन सुबह में जब लोग बाहर बाथरूम के लिए निकले हैं तो लोग देखे हैं कि यहाँ पर जो पूर्व से मूर्ति थी वो नहीं है। अच्छा, महाराजगंज SDPO पहुंचे हुए थे, क्या कुछ संतावना दिए आप लोगों को? महाराजगंज SDPO और थाना दरौंदा हम लोगों को कहे हैं कि भाई हम लोग टावर से लोकेशन लोकेट कर रहे हैं जी। दो चार दिन में हम लोग अपराधी तक पहुंच जाएंगे। क्या पर्चे बताइए एक बार? मेरा जी। मैं हृदय कुमार यादव, ग्राम नंदा टोला और अमर शहीद मूर्तिकार सिंह राम हमारे बहुत करीबी मित्र थे और यह जो मूर्ति लगी है वो मेरे ही अध्यक्षता में, बोर्ड पर आप मेरा नाम पढ़ सकते हैं, हृदय कुमार लिखा हुआ है, मेरे ही अध्यक्षता में लगी हुई है। भैया क्या कुछ घटना घटी हुई है यहाँ पे, क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। तो मामला हम लोग सुने सुबह में जी। तो हम लोग आए कि मूर्ति नहीं है, मूर्ति तो कल थी लेकिन सुबह में लोग गए लैट्रिन के लिए तो नहीं था, तो हम लोग वहाँ से दौड़ कर अपने गांव से घर से आए। अच्छा, प्रशासन पहुँची हुई थी, क्या कुछ मांग कीजिएगा प्रशासन से? प्रशासन से हम लोग चाहेंगे कि मान लीजिए कि ये तो एक बार तो मर्डर हो चुका है, ये दूसरी बार इनकी हत्या हो गई। एक तो मान लीजिए कि मूर्ति अगर उनसे क्या मूर्ति से थी था किसी का दुश्मनी, तो यही मांग है हम लोगों को कि जो अगर इस प्रकार की जो घटना किया है उसको उचित से उचित कार्रवाई करें प्रशासन। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार यादव। उनके भाई हैं? हाँ। अच्छा, आपके भाई के मूर्ति यहाँ पे लगा हुआ था, उसको तोड़ दिया गया है, प्रशासन पहुँची हुई थी, क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से घटना को लेकर? वही प्रशासन से मांग कीजिए, जो हमारा भाई के मर्डर किया पहले और फिर दोबारा मर्डर आज के 24 महीने रात में कर दिया, ये बहुत बहुत दुख की बात है। मेरे आत्मा शांति नहीं है, मेरे भाई बहुत दुख की बात है जब मेरे भाई को दोबारा मर्डर क्यों किया गया। भाई हथियारों को पकड़ कर सामने कीजिए, बस क्या मांग कीजिएगा चाचा प्रशासन से इस घटना को लेकर? काफ़ी असामाजिक तत्व द्वारा मूर्ति को तोड़ दिया गया, प्रशासन पहुंची हुई थी, क्या मांग कीजिएगा इस घटना को लेकर? हम तो मांग यही करेंगे जो उस असामाजिक तत्व जो इस मूर्ति को तोड़ फोड़ करके कहीं ले जाकर फेंक दिया है जी, उसको अविलंब पकड़े, तुरंत प्रशासन को यह चाहिए कि उसको पकड़ कर सामने लाए। दरौंदा प्रखंड के मरसरा गांव में मूर्ति लगा हुआ है, सबसे पहले मूर्ति का तस्वीर दिखाना, इसी स्टैचू पे मूर्ति लगा हुआ था और मूर्ति को असामाजिक तत्व आते हैं और तोड़ के लेकर चले जाते हैं। और बताया जा रहा है कि बगल में एक कार्यक्रम होता है, इसी स्कूल में बगल में कार्यक्रम होता है और रात भर कार्यक्रम चला, लेकिन कब असामाजिक तत्व पहुंचे हुए, कब मूर्ति तोड़ कर लेकर चले गए किसी को पता नहीं चला।